हम लोग प्रीवियस वीडियोज में एक्सरसाइज 6.2 में सॉल्विंग कर रहे थे और आज कंप्लीट कर लेना है क्योंकि उसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया था। और क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 ऐसा बेटा आपका 6.2 में क्वेश्चन नंबर 9 है यही और 6.3 में क्वेश्चन नंबर 3 है, दोनों जगह सेम क्वेश्चन है। देखिए एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, क्लियर। तो हम पहले फिगर एक ड्रा कर लेते हैं आपको क्लियर करने के लिए क्वेश्चन को। देखिएगा ये ट्रेपेजियम है ए बी सी और डी, फिर क्या कह रहा है इन विच आपका सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवेन है, ए बी पैरेलल डी सी। देखिएगा ए बी पैरेलल डी सी एंड इट्स डायगनल, देखिए इट्स डायगनल इंटरसेप्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, क्लियर। इसके डायगनल्स क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं किस पॉइंट पे, ओ पर। ये आपका फिगर कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब यहां पर गिवन के बाद टू प्रूफ, आपको क्या प्रूफ करना है, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। यहां तक समझ में आ गया एबीसीडी। आप पहले देखिए क्वेश्चंस करते समय सबसे पहले आप गिवन लिखिए फिर टू प्रूफ, उससे पहले हमें एक रिक्वायरमेंट है कंस्ट्रक्शन की, इसकी रिक्वायरमेंट है कंस्ट्रक्शन की, ड्रा ओ ई पैरेलल ए बी। हमने यहां पर एक लाइन ड्रा कर ली ओ ई जो किसके पैरेलल है, ए बी के। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट वी थिंग अब आते हैं प्रूफ पे। देखिएगा यहां पर आपका गिवन समझ में आ गया, टू प्रूफ समझ में आ गया, कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। अब हम प्रूविंग देख लेते हैं जिससे आपको आसानी से सॉल्व हो जाए क्वेश्चंस। प्रूविंग में देखिएगा स्टूडेंट्स, ये इतना स्टेप तो समझ में आ गया होगा। अब प्रूफ आते हैं, देखिएगा प्रूफ में जब आपने कंस्ट्रक्शन कर लिया है उसके बाद दो ट्रायंगल ले करके इस चीज को हम प्रूफ करेंगे और फिगर बना करके अलग अलग समझिएगा। और ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, समझ रहे हैं। देखिएगा अब ये आपका गिवन टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन के बाद आपका स्टेप आता है प्रूफ का। प्रूफ में देखिएगा और आपका क्वेश्चन नंबर 10 इसी का कन्वर्स है। देखिएगा प्रूफ, फर्स्ट थिंग इन ट्रायंगल ए सी डी ओ ई पैरेलल सी डी, क्लियर। फिगर मैं यहां से अलग से फिर से बना के आपको समझा दे रहा हूं। ये देखिएगा स्टूडेंट्स ए सी डी और दिस इज ओ ई,
ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, यही मैंने लिखा एसीडी में ओ ई पैरेलल सीडी। जब ओ ई पैरेलल सीडी है इसका मतलब ये हुआ एई अपॉन ईडी, एई अपॉन ईडी, एई अपॉन एई अपॉन ईडी इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी। इक्वेशन फर्स्ट रीजन बाय थेल्स, क्लियर। अब आते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी, ये देखिएगा सामने फिगर है आपके ए बी डी, ओ ई, ओ ई पैरेलल ए बी। तो यहां से देखिएगा ए ई अपॉन डी ई डी, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। इक्वेशन सेकेंड, इसका भी लॉजिक क्या होगा बाय थेल्स। अब इन दोनों इक्वेशन से देखिएगा, ये समझाने के लिए ट्रायंगल बनाया था मैंने, फिर देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड तो क्या आएगा रिजल्ट, वो भी ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर मैंने किया क्या था, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। पहली चीज ये है इन ट्राइंगल एसीडी ओई पैरेलल सीडी, देयरफॉर ए ई अपॉन ईडी इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ सी। इन ट्राइंगल एबीडी ओई पैरेलल एबी, देयरफॉर ए ई अपॉन ईडी ओबी अपॉन ओडी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बोथ एल एच एस आर इक्वल, देयरफॉर आर एच एस इक्वल टू इक्वल ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। देखिएगा अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, ओ ए इंटू ओ डी इक्वल टू ओ बी इंटू ओ सी। वी कैन राइट दिस ओ ए अपॉन ओ बी इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी, ओ ए अपॉन ओ बी या ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ये हो गया आपका प्रूविंग स्टूडेंट्स, ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, ओ ए अपॉन ओ बी या ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, कोई इफेक्ट नहीं इसमें है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर चुके हैं। 8th बताने से पहले मैं 10th बताना चाहूंगा, क्योंकि 9th और 10th सेम क्वेश्चन है बट एक दूसरे के क्या है कन्वर्स है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में एबीसी ट्रेपेजियम गिवेन था, ओ ए अपॉन ओ बी इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी प्रूफ करना था, यहाँ उल्टा है, ओ ए अपॉन ओ बी इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी गिवेन है, एबीसीडी को ट्रेपेजियम प्रूफ करना है। लगभग सेम टाइप का क्वेश्चन है, नॉट डिफरेंट। देखिएगा गिवेन में एबीसीडी इज क्वाड्रेटर हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट ए पॉइंट ओ एंड ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी। टू प्रूफ एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, आपको क्या प्रूफ करना है, एबीसीडी क्या है ट्रेपेजियम है। हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे ओ ई अपॉन सॉरी ओ ई पैरेलल टू ए बी, उसके बाद ये गिवेन इंफॉर्मेशन जो गिवेन है स्टूडेंट्स, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ, ठीक है। अब हम इसकी प्रूफ देखते हैं, कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। अभी तक हमने गिवेन टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन देखा। देखिए इन ट्राइंगल एबीसी आपको दिख रहा होगा ओ ई पैरेलल ए बी, ओ ई पैरेलल ए बी, इसका मतलब यह हुआ कि
वी कैन राइट दिस बीओ अपॉन डीओ, बीओ अपॉन डीओ इक्वल टू बीई अपॉन ईसी. क्लियर? इक्वेशन फर्स्ट बाय थेल्स, ये आ गया बीओ अपॉन डीओ इक्वल टू बीई अपॉन ईसी. उसके बाद देखिएगा आप लोग बीओ अपॉन डीओ को क्या लिख सकते हैं, एओ, ये देखिएगा एबीसी में ओई पैरेलल था तो यहां पे आपका आ जाएगा ओ ए, एओ अपॉन सीओ आएगा. क्या आएगा? एओ अपॉन सीओ इन ट्राइंगल एबीसी ओई. फिगर देखिएगा पैरेलल एबी, इसका मतलब एओ अपॉन सीओ इक्वल टू बीई अपॉन सी. देखिए बट आपको एओ अपॉन सीओ क्या लिख सकते हैं, बीओ अपॉन डीओ इक्वल टू बीई अपॉन ईसी. यहां लिख दीजिएगा सिंस एओ अपॉन सीओ इक्वल टू बीओ अपॉन डीओ गिवेन इंफॉर्मेशन. कैसी इंफॉर्मेशन है? गिवेन. अब देखिएगा बीओ अपॉन डीओ इक्वल टू बीई अपॉन ईसी, देयरफॉर वी कैन से दैट ओई पैरेलल डीसी बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स. कन्वर्स ऑफ थेल्स के अकॉर्डिंग ओई पैरेलल क्या हुआ? डीसी. और हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया था? ओई पैरेलल एबी. देखिए एंड ओई पैरेलल एबी सो वी कैन से दैट एबी पैरेलल डीसी, देयरफॉर एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम. क्लियर? देखिएगा इस ट्राइंगल एबीसी में हमने पहले लिया एबी पैरेलल ओई कंस्ट्रक्शन से, ओए अपॉन ओसी इक्वल टू बी अपॉन ईसी, बट ओए अपॉन ओसी बराबर बीओ अपॉन डीओ. फिर देखिए बीओ अपॉन डीओ और बी अपॉन ईसी, इसका मतलब क्या हुआ? ओई पैरेलल डीसी और ओई पैरेलल एडी है, इसका मतलब एडी पैरेलल. देखिएगा यहां पर ओई पैरेलल डीसी आ गया और इससे पहले ओई पैरेलल क्या था? एबी था. इसका मतलब एबी पैरेलल डीसी. आपको पता है किसी भी क्वाड्रेटर में अगर एक पेयर पैरेलल होती दैट इज कॉल्ड द ट्रेपेजियम. दिस इज क्वेश्चन नंबर 10. अब देखिएगा स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आपके सामने और है, क्वेश्चन नंबर 8. ये भी बहुत सा आसान क्वेश्चन है. इसी के साथ आप लोग की ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी. नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे अगली एक्सरसाइज के थ्योरम्स के बारे में, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर. क्वेश्चन नंबर 8 यूजिंग थ्योरम 6.2, इसका मतलब कन्वर्स ऑफ बीपीटी. प्रूव दैट अ लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स. देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अ ट्राइंगल एबीसी गिवेन है. अ ट्राइंगल एबीसी या लिखिएगा गिवेन में अ ट्राइंगल एबीसी इन विच D and E are midpoint of AB and AC respectively. आया समझ में? इस ट्राइंगल ABC में D का midpoint है और E इसका मिड पॉइंट. इसका मतलब एडी इक्वल टू बीडी और एई अपॉन ईसी. देन टू प्रूव डीई
पैरेलल बीसी। देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, आप लोगों ने पिछले साल यही पढ़ा था मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले वी कैन फाइंड एडी अपॉन डीबी, और देखिए एडी इक्वल टू डीबी गिवन है, देयरफॉर एडी अपॉन डीबी क्या क्या लिखेंगे, एडी कट के क्या आ जाएगा 1:1। फिर देखिएगा एई अपॉन ईसी, इसका मतलब एई अपॉन एई, यहां भी रीजन वही है, ये क्वेश्चन फर्स्ट है और ये क्वेश्चन सेकंड है, यहां भी रीजन है एई इक्वल टू ईसी गिवन है, क्या है गिवन है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन से हम देखेंगे स्टूडेंट्स एडी अपॉन डीबी इक्वल टू क्या आ जाएगा एई अपॉन ईसी, रीजन दोनों का रेशियो सेम है, सो डीई पैरेलल बीसी बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स। कन्वर्स ऑफ थेल्स से आपसे यही कहती है अगर कोई लाइन दो साइड्स को ट्रायंगल से सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो थर्ड लाइन की क्या होती है पैरेलल होती है। समझ आ गया स्टूडेंट्स, ये था आपने हमें बहुत आसानी से एडी अपॉन डीबी यानी दोनों इक्वल तो 1:1 आ गया, एई अपॉन ईसी ए भी 1:1 आ गया, इसका मतलब एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी है। ये हो गया जब दो साइड्स के रेशियो दो साइड्स इक्वल रेशियो डिवाइड कर रहा था थर्ड लाइन की क्या होगी पैरेलल होगी बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो गया है और हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज और थ्योरम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।